भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर हुए फायरिंग मामले के अंदर दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत बड़े विशाल धरना प्रदर्शन है वो इस वक्त आयोजित किया जा रहा है और इस आयोजित धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली के अंदर सुबह 8:30 बजे के आसपास का ये नजारा आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहां पर लोगों का पहुंचना चंद्रशेखर आजाद के लिए इस बात का ताकत है कि चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ता देश भर में अब फैल चुके हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आजाद के द्वारा ये तीसरा चौथा धरना प्रदर्शन हो सकता है 2017 के बाद। चंद्रशेखर आजाद पर जब 2017 के अंदर रासुका लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था उस दौरान भी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, उस समय आजाद समाज पार्टी नहीं थी बल्कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच चुके थे और आज आपको बता दें कि एक बड़ा पैमाना या बड़ा रुतबा आज भीम आर्मी का देखने को मिलेगा क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पर 28 जून को जो फायरिंग हुई थी उस मामले की सीबीआई जांच नार्को टेस्ट अपराधियों का होना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद को जेड प्लस सुरक्षा देने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आज जो ये धरना प्रदर्शन आयोजित हो रहा है इसमें लोगों की बड़ी संख्या है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, अलग अलग राज्यों से, गुजरात, अलग अलग राज्यों से यहां पर लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और इन तमाम लोगों का एक ही मकसद है कि अब हम नहीं सहेंगे जुल्म, अत्याचार और ज्यादती, अब किसी भी कीमत पर हम नहीं सहेंगे। तो ये आप जूम है वो बढ़ता हुआ ये इस बात का संकेत है कि चंद्रशेखर आजाद की भी अब जो सियासी पावर है, ताकत है, वो एक तरीके से जमीनी लेवल पर उनके कार्यकर्ताओं के रूप में तो बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि सियासत में उनकी आजाद समाज पार्टी का भविष्य भी यहां पर आज तय हो जाएगा।